शहबाज शरीफ की हो गई है घंघोर बेइज्जती, बिल्कुल जलील कर दिया उसको। पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड मोस्ट डिसाइसिवली टू एनी इंडियन एग्रेशन। नरेंद्र मोदी और अडानी और इंडियन साहबियों, आज मेरी बात याद रखना। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब भी बोलते हैं तगड़ा बोलते हैं, इतना तगड़ा कि पाकिस्तान की जड़ें हिल जाती हैं, चीन का दिमाग चकरा जाता है और पूरी दुनिया उनके भाषण को सुनती है। जयशंकर साहब ने क्या लताड़ा कि ये अपने कर्म झेल रहे हैं। We see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि क्या हाल होंगे शहबाज शरीफ के। तक के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, डिफेंस मिनिस्टर भी, वो वहां से उठ के चले गए थे। दोस्तों, इतनी बेइज्जत का, इतनी बेइज्जती का इस इंसान को नाज़रीन सामना करना पड़ा। अब इंडिया वालों, तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई आई तुम्हारी दह, तुम्हारा कोई जहाज कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया, तो मेरा फैसल रजा आप जी का गिरेबान पकड़ना। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका लटका के तुम्हारी मईशत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। लेकिन दोस्तों, बेइज्जती ना महसूस करने वाली चीज है, पाकिस्तानियों को होती नहीं है महसूस। ये ऐसे ही है और ये हकीकत है और ये ऐसे ही रहेगा, इसको आप झुटला नहीं सकते, इन चीजों को आप नहीं झुटला सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच में डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उसको उसकी असली औकात याद दिला दी। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा कि पाकिस्तान आज अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने उसी मंच से ये भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे से भारतीय क्षेत्र खाली कराना है। दरअसल डॉक्टर जयशंकर ने यह शब्द जब प्रयोग किए जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, तभी डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को टारगेट किया और उन्हें उनकी असली औकात याद दिला दी। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब बात होती है पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर पे के वो हमारे पास कब वापस आएगा। जयशंकर साहब ने क्या लताड़ा कि ये अपने कर्म झेल रहे हैं। मैडम प्रेसिडेंट, मेनी कंट्रीज गेट लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, बट सम make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization. And its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. जयशंकर साहब ने यह भी बोला कि हम पाकिस्तान को जवाब जरूर देंगे अगर इसने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की, आतंकवादी हरकत की या कोई और हरकत की, जवाब जरूर दिया जाएगा, साथ में ये हमारी जमीन पर से, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कब्जा छोड़े। सो लेट मी मेक इंडियाज पोजिशन परफेक्टली क्लियर। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment
of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. बिना नाम लिए जयशंकर साहब ने चाइना को भी लताड़ा, बोला कि चाइना की वजह से ही